देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी अधिकारी विभाग लापरवाह नजर आएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसको नाम दिया गया है जीरो टॉलरेंस नीति को। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां अपने दूसरे टर्म में काम कर रही है, 37 साल बाद एक मिथक को तोड़ करके उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नाम से काबिज हुई है, वो भी लगातार दूसरी बार। उस सरकार के 100 दिन पूरे होते होते एक बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में निकल कर सामने आया है और वो घोटाला भी पशुओं के इलाज, उनकी दवाओं के नाम पर, यानी पशुपालन विभाग में। पशुपालन विभाग को 65 करोड़ रुपए का एक बजट जो था वो दिया गया था और पशुपालन विभाग के अधिकारी इतने कर्मठ निकले कि 4 महीने में ही 65 करोड़ में से 50 करोड़ रुपया खर्च कर डाला और खर्च करने के बाद ये बताया कि हमने क्या क्या कैसे कैसे खरीदा है। जब इसकी जांच पड़ताल हुई, परत खुली, तब पता चला कि भाई साहब जो खरीदारी हुई है उस खरीदारी और उसके दाम अगर आप जान लेंगे तो आप और पशु दोनों शर्मा जाएंगे, क्योंकि इन पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने जो कोल्ड बॉक्स होता है उस कोल्ड बॉक्स को 125,000 रुपया से भी ज़्यादा में खरीद लिया। उसी समय पर जब इसी कोल्ड बॉक्स को दूसरे प्रदेशों में खरीदा गया, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, तो मध्य प्रदेश में 47 से लेकर के 49,000 रुपया इसका दाम था और जम्मू कश्मीर में 59,000 रुपये का ये कोल्ड बॉक्स खरीदा गया। आप खुद सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के अधिकारी कितने कर्मठ, कितने जुझारू और कितने जगलर किस्म के हैं कि 1.5 गुना से भी ज़्यादा दाम लगा करके सामान को खरीद करके ये बता दिया कि हमने पशुओं के लिए सबसे बेहतर काम किया है। इसके अलावा पशुओं के लिए और उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए दवाएं भी बड़े पैमाने पर पशुपालन विभाग ने खरीदी थी, लेकिन जब उन दवाओं का मानक चेक किया गया तो पता चला कि ये सारी की सारी जो दवाएं हैं ये मानकों के विपरीत हैं। इन दवाओं को खाने से पशु और बीमार हो जाएगा, सही नहीं होएगा। तो कौन से मानकों पर इन दवाओं को खरीदा गया था, वो कौन सी कंपनियां हैं जिनसे लगातार इन दवाओं को खरीदा जा रहा है, बताया ये भी गया है कि वो कंपनियां पहले भी ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद इन्हीं से खरीदारी जो है जेम पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। तो जितना डिजिटल जमाना उतना बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग में हुआ है। इसके अलावा भी कई और चीजें हैं जो पशुपालन विभाग ने अपने घोटाले वाली फेहरिस्त में जोड़ रखी हैं, चाहे वो इंजेक्शन के नाम पर हो, चाहे वो निडल के नाम पर हो, चाहे वो कंप्यूटर के नाम पर हो, चाहे वो मास्क के नाम पर हो। मास्क, जो मास्क N95 है जो इस समय बाजारों में 15 से 20 रुपए में मिल जाता है, पशुपालन विभाग के इन कर्मठ अधिकारियों ने उसे 97 रुपया में खरीद लिया और ये बताया कि हम सब कुछ बेहतर तरीके से कर रहे हैं, पशुओं के लिए हम एकदम सजग हैं, गौशालाओं में बेहतर काम हो रहा है, पशु बिल्कुल खुशहाल है, बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर हो जाएगा और सरकार की जीरो टॉलरेंस वाली नीति को किस तरह से इन लोगों ने गड्ढे में दबा करके ऊपर मिट्टी डाल दी ये बताने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब इस पूरे मामले पर से मिट्टी हटाई गई तब पता चला कि पशुपालन विभाग के ये अधिकारी आखिर कितने कर्मठ हैं। आज इसी विषय पर चर्चा हो रही है, लगातार इस विषय पर हमने पहले भी चर्चा की थी और पहले भी खबर चलाई थी। अभी कुछ दिनों पहले जब ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के पशुपालन विभाग में बड़ा मामला निकलकर सामने आया था कि जिस समय तक ये ट्रांसफर किए जाने थे उस समय तक ये ट्रांसफर नहीं किए गए, जिस गुड़ा गणित के हिसाब से ट्रांसफर किए जाने थे उस गुड़ा गणित के हिसाब से ट्रांसफर नहीं किए गए, आवेदनों की प्रक्रिया ऑफलाइन मांगी गई, आनन फानन में ट्रांसफर किए गए और जिनके ट्रांसफर किए भी गए उनको भी आओ हम तुम्हें सही करके सही जगह पर भेज देते हैं, ये वाली प्रक्रिया लागू करवाई गई है विभाग में। अधिकारी लगातार
जिन कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए हैं उनसे मुलाकात करके उनकी जगहों में फेरबदल करके एक नई लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, ना पहले वाली ना अभी वाली। तो ये घोटाला पशुपालन विभाग का लगातार अब खुलता जा रहा है, पहले ट्रांसफर पॉलिसी के नाम पर, अब इलाज और दवाइयों के नाम पर, और इसके अलावा और कौन कौन से बड़े घोटाले हैं इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आप कुछ बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। दवाइयों का क्रय निदेशक रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, दवाइयाँ क्रय करने की पूरी कमेटी बनी है, उस कमेटी के द्वारा रेट अप्रूव किया जाता है, जिम पोर्टल से खरीदी गई दवाइयों का जिम से आर्डर दिया जाता है, वहाँ से बिल वाउचर लेने के बाद नियमानुसार उसका पेमेंट कराया जाता है। हमारे पास एक जॉइंट डायरेक्टर मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन भी हैं, वो दवाइयों का बाकायदे जाँच कराते हैं, अधोमानक दवाइयाँ होने पर उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हैं तथा उसका पेमेंट रोक देते हैं। तो इस तरह के आरोप ये तो बिल्कुल निराधार हैं, इसमें कोई सत्यता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के अखबार में या मीडिया में आ रहा तो इसकी पूरी जांच कराई। पशुपालन विभाग में लगातार जो घोटाला है वो अब निकलते हुए सामने आ रहा है। एक और अहम चीज़ इसी में मैं आपको जोड़ करके बता दूं कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने आइस लाइडन फ्रिज खरीदा था और इस फ्रिज को दो बार खरीदा गया, दो अलग अलग समय पर। पहली बार जब ये खरीदा गया और दूसरी बार जब ये खरीदा गया तो दोनों के दाम और दोनों के समय, अगर समय की बात करें तो समय सिर्फ एक महीने का बीता था, लेकिन दाम में अगर फर्क देखा जाए तो ये फर्क करीब 75,000 का हो गया था। तो आप खुद सोचिए कि एक महीने में महंगाई इतनी ऊपर चली गई कि दाम में 75,000 रुपये का जो डिफरेंस था वो सामने आया। और अब पशुपालन विभाग के अधिकारियों को जब इससे जुड़े हुए जवाब मांगे गए हैं, सवाल पूछे गए हैं, तब वो कह रहे हैं कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके पर कार्रवाई की जाएगी, वसूली की जाएगी। लेकिन क्या इससे पहले भी वसूलियाँ हुई हैं, ये भी जान लेना ज़रूरी है। ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जो कंपनियाँ ब्लैक लिस्टेड हैं उनके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई, किस तरह की कार्रवाई हुई, क्या उनसे वसूली हुई कि नहीं हुई, क्या उन्हीं कंपनियों से अभी भी खरीद फरोख्त चल रही है। और जब इतना बड़ा घोटाला हो गया तो उसके बाद भी किसी को भनक नहीं लगी कि आखिर इतना बड़ा मामला कैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, वो भी पशुओं के नाम पर, पशुओं के इलाज के नाम पर, पशुओं की दवाई के नाम पर, N95 मास्क के नाम पर। 125,000 का फ्रीजर खरीद डाला इन लोगों ने, जो कि दूसरे प्रदेशों में 50,000 का, 60,000 का आता है। तो ये सारे जो सवाल हैं, इन सवालों के ही जवाब ढूंढने की आज हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, और ये जानने का, ये समझने का प्रयास रहेगा कि आखिर इतना बड़ा घोटाला, वो भी उस सरकार में जहां पर लगातार दिन में कई बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंत्री, अलग अलग नेता प्रवक्ता जीरो टॉलरेंस की बात करते रहते हैं, माला जपते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, उसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ ही किलोमीटर के दूर पर इतना बड़ा घोटाला इतने बड़े विभाग में। चलिए डिबेट शुरू करता हूँ, मेहमानों को जोड़ता हूँ। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं, मिसम जैदी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं, और राकेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पशुपालन विभाग में अध्यक्ष हैं यूपी पशु चिकित्सा संघ में। आप सभी मेहमानों का आज के इस डिबेट में बहुत स्वागत है। प्रदीप तिवारी भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अरविंद जी आपके पास आना चाहूँगा। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार अरविंद जी, और लगातार दिन भर में नेता मंत्री इस बात की माला जपते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा है, कहीं पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन पशुओं के नाम पर 4 महीने में 50 करोड़ खर्चा कर देना, ये कहना कि हमने दवाई खरीदी, हमने फ्रीजर खरीदा, लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि 125,000 का फ्रीजर खरीद डाला है, दवाई जो आई है वो मानकों पर है ही नहीं, उनसे इलाज ही नहीं हो सकता है, नीडल सुई हर चीज में घोटाला कर डाला इन लोगों ने। बिल्कुल नितिन जी, मुझे याद है 1996 में तत्कालीन केंद्र की सरकार थी कांग्रेस की, उस दरमियान अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यूरिया घोटाला हुआ था तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी कि आखिर किसी व्यक्ति को खाने के लिए कितना पैसा चाहिए। इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है तो स्वाभाविक रूप से कहावत है ना कि जो प्रश्न पूछता है उसको उत्तरों को टाल नहीं सकता है। तो सवाल लाजिमी है कि भाई आखिर आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं और जो सत्ता को चला रहे जो नौकरशाह हैं, क्या वो इस कदर जो है अनियंत्रित हो गए हैं कि पशुओं का जो
जो धन जो जाता है उनकी सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अब वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा, यह बहुत ही विडंबना है। यहाँ समझना सिर्फ घोटाले से मतलब नहीं है। देखिए, इस तरह के घोटाले तो देश में जो है 4 दर्जन से अधिक हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो है हम कहीं पर भी किसी तरह की इस तरह की घोटालेबाजी नहीं होने देंगे। आपने देखा ना, 2018 में ही जो है एक आटा घोटाला हुआ था पशुधन विभाग में। उसका जो टेंडर दिया गया था उसमें पशुधन राज्य मंत्री के प्रधान निजी सचिव थे और एक IPS साहब भी पकड़े गए और उनको जेल में भी जाना पड़ा था। तो 9 करोड़ रुपए उसमें जो ऐठे गए थे पैसा कमीशन के नाम पे। तो ये सवाल लाजमी है ना कि भाई आप जो है एक ही राज्य में, आपके पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में जो कोल्ड बॉक्स जो है आपका 60,000 में 50,000 में खरीदा जाता है और यहाँ एक करोड़ 27 लाख में खरीदा जाता है। जी, 1,27,000 पे खरीदा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इतना डिफरेंस कैसे हो जाएगा। और दूसरी चीज, अभी आपने जिक्र किया कि समय अंतराल महज 1 महीना का रहता है और वहां पर भी जो है 70-75 हजार का 2 बार सामान की खरीदारी में हो जाता है। एक चीज और आपने कहा कि जो N95 मास्क है बाजार से 2-3 गुने दाम पे खरीदा गया। क्या ये इस तरह की खरीदारी जो होती है, क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है? देखिए, सीधा सवाल है नितिन जी कि यहाँ पर जो है केवल हम अधिकारी को दोषी मान करके नहीं चल सकते, इसके पीछे नेक्सस है और नेक्सस में जो है नौकरशाह से लेकर के कहीं ना कहीं नेताओं का जो है अपना एक कारगुजारी है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ, नितिन जी छोटी बात मैं कह रहा हूँ कि जब आजाद हुआ तो उस समय जो एक जीप घोटाला हुआ था और वीके कृष्ण मेनन जो है हाई कमिश्नर थे लंदन के, और जब उनके ऊपर आरोप चार्ज हुआ तो उनको कार्रवाई करने के बजाय तत्कालीन नेहरू जी की सरकार ने उनको अपने कैबिनेट में जगह दे दी। फिर आगे जब आपका डिबेट होगा तो मैं उत्तर प्रदेश के कुछ नौकरशाहों का नाम बताऊंगा जिनके ऊपर ढेरों आरोप रहे। लेकिन मजेदार बात यह कि 4-4 मुख्यमंत्री उनके आरोपों से जो है नजरअंदाज करते रहे, उनके ऊपर CBI जांच की मांग करती रही, लेकिन सभी ने इसको टाल दिया। तो इस तरह से जब नौकरशाहों का बचाव होगा तो स्वाभाविक रूप से घपला घोटाला करेंगे। जब वो जेल जाने से, एक पेड़ है ऊपर फल लगे हुए, फल तोड़ते रहो, खाते रहो, जो हो रहा है होते रहेगा, पर अगर पेड़ अगर झड़ भी जाता है तो कोई मतलब नहीं। जी बिल्कुल नितिन जी, एकदम सही आप कह रहे हैं। 1996 में IAS एसोसिएशन ने जो है सबसे भ्रष्ट अफसरों को जब उत्तर प्रदेश में चुनाव किया तो उसमें 3 लोग का नाम लिया गया। उसमें जो है एक सज्जन जो थे वो 4 मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखे, 4 मुख्यमंत्री ने जो है अलग अलग पार्टी के, और उन्होंने जो है पूरी तरह से उनके ऊपर CBI जांच की जो मांग की गई थी उसको खारिज कर दिया। और एक राजनेता जो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने तो मुख्य सचिव बना दिया। उनको सेवा विस्तार जब देना चाहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या इनसे अब कोई ईमानदार जो है मुख्य सचिव नहीं बचा है क्या? तो सवाल लाजिम है कि पर्दे के पीछे चाहे आगे आगे जो है चाहे जितनी नैतिकता की दुहाई ये लोग दे ले, लेकिन पर्दे के पीछे सभी लोगों की एक अपनी गोलबंदी है नौकरशाहों को, भ्रष्टाचारियों को बचाने की। जो ये जो आज स्वास्थ्य में विभाग में जो पशु जो घोटाला हुआ है उसकी एक वानगी महज है। इस तरह की अगर खोज जांच हो तो कई तरह और आपको किस्म देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं आता हूं आपके पास। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ BJP से हैं। विवेक जी, आप लोग दिन भर इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, विभागों पर हमारी नजर बनी हुई है, अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, कहीं पर कुछ भी हो रहा हमें शिकायत करो। ये तो राजधानी लखनऊ का मामला है और इतना बड़ा विभाग, पशुपालन विभाग, इतना कर्मठ अधिकारी, उन लोगों ने इतना काम कर डाला कि 4 महीने में ही 50 करोड़ खर्चा कर दिया। देखिए नितिन जी, जब इस विषय की आप तफसील में जाएंगे तो ये विषय मीडिया को मेरे ही द्वारा उठाया गया है जी। और मैं तो एक स्थानांतरण के विषय में विभाग में गया था जहाँ ये सारे प्रकरण मेरे संज्ञान में आए, उस विषय को मैंने सबके समक्ष रखा और जिन तथ्यों को मुझे जानकारी मिली है उन सारे तथ्यों को मैं इकट्ठा करके जल्द ही विभागीय मंत्री माननीय धर्मपाल जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके उनको इस विषय से अवगत कराने जा रहा हूँ। विषय ये है कि ये विषय आज धर्मपाल जी के समय का नहीं है। निदेशक डॉक्टर इंद्रमणि जब बने हैं तो उस समय यहाँ पे प्रमुख सचिव विभाग हुआ करते थे सुधीर गर्ग जी। सुधीर गर्ग जी कितने अच्छे IAS हैं सब लोग जानते हैं, उनके बारे में अलग से बताने का आवश्यकता नहीं है। वो इसके पहले वो उद्यान निदेशालय भी देख रहे थे, प्रमुख सचिव तो उद्यान विभाग के, वहाँ भी ऐसे ही लोगों का उन्होंने संरक्षण किया। मैंने वहाँ भी कुछ विषय उठाए थे,
उद्यान निदेशालय से जुड़े और उन्हीं के समय में डॉक्टर इंद्रमणि जी की नियुक्ति यहाँ की गई है। डॉक्टर इंद्रमणि के ऊपर लोकायुक्त की जांच पहले से चल रही 2019 से, विजिलेंस की जांच चल रही है, एक जांच अभी 1 जुलाई को जहां तक मेरी जानकारी है वर्तमान अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे जी जो इस विभाग के प्रमुख सचिव हैं उन्होंने चालू की है। विषय यह है कि इन जांचों के रहते ऐसा करप्टेड आदमी निदेशक कैसे बन गया और निदेशक बना और निदेशक बन करके उसने मुख्यमंत्री की स्थानांतरण नीति जो रही उसमें पलीता लगा दिया, दवाएं अधोमानक पाई गई, लगभग 142 करोड़ का मामला है, अभी तो 50 करोड़ का ही विषय निकल करके आया है। अच्छा, और उन दवाओं से डॉक्टर इलाज कैसे करें, जिलाधिकारी सस्पेंड कर देता है कि डॉक्टर को कुछ आता नहीं, पब्लिक मार रही है कि तुमने मेरी गाय मार डाली, जो सरकारी गो आश्रय स्थल है जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें जानवर हैं, निराश्रित पशु हैं, गऊ हैं, उन गऊओं को भी दवा नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर, यदि कर रहे हैं तो गऊएं बच नहीं रही हैं, मर जा रही हैं, पब्लिक डॉक्टरों को पीट रही है। ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश की पशुपालन के निदेशक और पशुपालन विभाग के लोगों की वजह से हुई है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है नितिन जी कि एक विषय नहीं है पशुपालन का, ये इसके अलावा जो कोल्ड बॉक्स का विषय है जिसको भी आपने उठाया, मध्य प्रदेश में 47,700 का, जम्मू कश्मीर में 59,000 का, उत्तर प्रदेश में 1,27,700 का खरीदा जा रहा है। और तो और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि नितिन जी जो कान में आइडेंटिटी के लिए जो टैग लगाया जाता है पशुओं के लिए जी, वो उसमें ऊपर प्लास्टिक होती है, अंदर पीतल के छल्ले का प्रावधान है, पीतल का होना चाहिए ताकि जिससे कि वो सड़े ना कान में। उसमें अधो मानक के तहत उसमें स्टील की पत्तल यूज किए जा रहे हैं, स्टील क्या कह लीजिए वो टिन के पत्तल। अच्छा। जिसमें मूर्छा लग जाता है, कान सड़ जाता है, जानवर का कान काटना पड़ता है, फिर उसको दूसरे कान में लगाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये कि पशु कितना दर्द महसूस करते हैं, पशुपालन विभाग उन पशुओं के साथ पछुता कर रहा है, उन पशुओं से ज़्यादा पछुता पशुपालन विभाग के निदेशक में है। और अब ये समस्या कि दोनों कान सड़ जाएंगे तो अब तीसरा कहाँ लगाएंगे उस टैग को, वो भी यही लोग बताएंगे जिन्होंने सवाल निदेशक निदेशक ने केवल मुख्यमंत्री की ही स्थानांतरण नीति को तथा नहीं बताया है। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिसी है दिल्ली से, जो उन्होंने नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत भारत सरकार का जो पैसा आया है उसमें भी पलीता पशुपालक के निदेशक डॉक्टर इंद्रमणि ने लगाने का काम किया है। ठीक है सर, ठीक है, तमाम विषय सारे विषय लेकर के मैं माननीय मंत्री जी से कल ही परसों में समय लेकर के मुलाकात करने जा रहा हूँ, इसके पश्चात मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, मैं इस अधिकारी के लिए मांग करूंगा कि दौरान जांच जब इसके ऊपर इतनी जांचें चल रही इसको निदेशक पद से हटाया जाए और पूरी जांच एसटीएफ को, एसआईटी को या संभव हो तो सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि इसमें हायर नेक्सस भी इन्वॉल्व है। केवल एक निदेशक के स्तर से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो और ऊपर वाले जो प्रमुख सचिव लेवल के लोग आंखें मूंदे रहे, संभव नहीं है। इसमें उच्च अधिकारी भी लिप्त है, इसलिए किसी उच्च एजेंसी से जिसकी निष्पक्षता जनता के बीच स्वीकार हो उससे जांच कराए जाने की आवश्यकता है और तब तक इसको उस पद से हटाया जाए, संभव तो इसकी गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, मिसम जैदी हमारे साथ सपा से। मिसम भाई, आपने देखा विवेक जी, हम लोग तो फालतू में हाय तबा मचाए, विवेक जी कह रहे हैं मैं खुद जाऊंगा मिलूंगा, हालांकि ये मामला इनकी तरफ से उठाया गया है लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं जाकर के मिलूंगा और इसमें जितना भी नेक्सेस है या जो भी लोग और जुड़े हुए हैं उनकी भी परत जो है वो खोलने की कोशिश रहेगी। देखिए सर्वप्रथम तो अच्छी बात है, विवेक जी की अंतरात्मा जागी है, गौ माता है और यहाँ पर पूजनीय है, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो ये दशा बता रहे हैं जिस तरह से आपने भी सुना और आपके माध्यम से जनता ने सुना वो काफ़ी दयनीय है और उसके ऊपर अगर कहा जाए तो वाकई रोना आता है इस तरह से, क्योंकि जिसके ऊपर ये दुहाई लगा करके जिसके ऊपर सरकार बनती है, जिसके ऊपर राजशाही की जा रही है, आज उसी गौ माता का हाल उत्तर प्रदेश में इस तरह से हो रहा है। और ये पहला मामला नहीं है, अभी हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे थे कि ऐसे 4 दर्जन इस तरह से जो है वो घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार में हो चुके हैं। कोरोना का जो जिक्र आया तो कोरोना में ही जो है आप देखिए कि पीपीई किट से लेकर के और मास्क लेकर के 95 मास्क कहाँ तक धांधली और धोखेबाजी धोखाधड़ी हुई है। अब चूंकि सवाल ये है कि ये किसी एजेंसी से अगर जाँच कराई जाए तो इसके अंदर जो अभी कहा विवेक जी ने कि वाकई बात है कि टॉप टू बॉटम सभी लोग इसके अंदर पकड़े जाएंगे और सभी दोषी पाए जाएंगे, किसी एक आदमी से इस तरह का इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता और ना ही उसकी इतनी क्षमता है कि वो ये कर सके। मगर ये कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं ये दाब दिए जाते हैं और कुछ चैनल इसका कभी
भी दिखाने का भी काम नहीं करते। अब आपके चैनल पर इस तरह की चर्चा हो रही है, अभी मैं भी थोड़ी देर पहले डिबेट में एक बैठा हुआ था वहाँ पर चर्चा हो रही है, तो इसको देखिए किस तरह से मोटिवेट करके कैसे इसको जो है डाइवर्ट किया जाता है इस तरह के घोटाले को। कि अभी मान लीजिए ने एक जगह पर जो है वो जनसंख्या वृद्धि के कानून की बात करी, कि जनसंख्या नियंत्रण के कानून की बात करी, और उसमें उन्होंने एक तरह से एक पक्ष को एक वर्ग को टारगेट शुरू करा। अब राजनीति वहाँ पर स्टार्ट हो गई तो लोग कहीं ना कहीं स्कैम को भूल जाएंगे और उसको ये याद नहीं रखेंगे। सवाल ये है कि अगर वो भी काम जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए, मगर उसके साथ साथ जो हमारा और आपका देश के गरीब व्यापारी और किसानों मजदूरों का और जो हमारे भारत देश की जनता का जो पैसा है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं लूटने का काम किया जा रहा है। और रही बात ये कि ये 2.0 की सरकार है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये भी इस तरह से आप अपने आप को नहीं बचा सकते कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी इसका एक दिन में नितिन जी नहीं होता है। इसके लिए पूरी एक रूपरेखा तैयार होती है और इसके लिए मिनिस्ट्री अफेयर से लेकर के और नीचे तलक सारे अधिकारियों की साइन होती है, तब वो फाइल पास होती है, तब किसी ना किसी अपने परिचित और जानने वाले, जैसा कि अभी मैंने देखा कि जेम के अंदर 10 दिन का समय होता है, 5-5 दिन में ठेका अलॉट किया गया, 7 दिन में कहीं ना कहीं कोरोना का बहाना लेकर के किया गया। तो सवाल ये कोरोना की आड़ में मैं फिर एक बात कहूंगा, ये भी है कि जिन कंपनियों से दवाई वाई ली गई है उन कंपनियों को पहले ब्लैकलिस्ट भी किया गया, शुक्ला जी सही हूं ना मैं? हाँ, ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ देखिए, अच्छा ब्लैकलिस्ट का मामला ये कि कुछ तो औपचारिकताएं की जाएंगी नितिन जी, कम से कम कोई बात रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो इनकी अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा। अब जैसे रही बात कि अगर मैं ये बात कहूँ कि जैसे कि ये कहा गया कि आपदा को अवसर में, तो मैं तो पहले से हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपदा को अवसर में बदला जा रहा है। गौ माता के नाम पर, कोरोना के नाम पर और महिलाओं के नाम पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा लूटा जा रहा है, बहुत दुख की बात है और इसको संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को भी लेना चाहिए, कि जाहिर सी बात है डबल इंजन की सरकार है तो सेंट्रल से भी पैसा आया है यहां पर, तो इस तरह से लूट और खसूट कर रोकथाम करने का कार्य किया जाए, तभी इस तरह संतुष्टि होगी। कहने से और कोई बात करने से मुझे लगता है कि इसका कोई हल निकलने वाला नहीं। ठीक है, ठीक है। प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से। प्रदीप भाई, आपको भी पता चला कि घोटाला हुआ इतना बड़ा, क्या कहना है इस पर? और जिस तरह से विवेक जी कह रहे हैं कि मैं खुद जाकर के मिलूंगा मुख्यमंत्री से, संबंधित विभाग के मंत्री से। प्रदीप जी का ऑडियो सही किया जाए भाई, जल्दी से। शुक्ला जी हमारे साथ हैं, प्रदीप जी का ऑडियो सही किया जाए? ठीक है, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश जी, क्या है पूरी सच्चाई? क्योंकि एक तो ये घोटाला निकल कर सामने आया, क्या इसके अलावा और भी कुछ है पशुपालन विभाग में? क्योंकि आप तो उसी विभाग से हैं, जिम्मेदार हैं, आपको पता होगा। हाँ, ऐसा पूर्व में भी दवाइयों की जाँच में ऐसी बातें आई थी, दवाइयाँ घटिया पाई गई थी और ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर शायद पहली बार हुआ है। और इसमें व्यक्ति पर केंद्रित होने के साथ ही जो सिस्टम है, जिम्मेदार है, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि हम लोगों ने संघ के माध्यम से जब भी इस बात को माननीय मंत्री जी के सामने या निदेशालय में उठाया तो वो लोग हमेशा ये कहते थे कि मैं मजबूर हूँ और ये जो टर्म्स कंडीशंस के बनाने वाले समितियाँ हैं और जो दायरे बनाए गए हैं, वो दायरे हमें मजबूर करते हैं कि हम क्वालिटी मेडिसिन ना खरीद पाएँ। और 3 ही 4 चेहरे हमेशा सप्लायरों के वहाँ पर अक्सर दिखाई देते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम है वो अपने आप को, जो खरीदारी का सिस्टम, वो अपने आप को मजबूर पाता है। तो ऐसे में कई तरफ से इसमें मल्टीफैक्टोरियल ये डिजीज है। नहीं, इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, इतना बड़ा बड़ा घोटाला कर दिया गया और पहले किसी की नजर नहीं पड़ी, ये भी अभी आप बता रहे थे कि पहले भी ये जो कंपनियां हैं जिनसे दवा वा कर दी गई, इन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया, उसके बावजूद उन्हीं से खरीदारी हुई है। ये सिस्टम दरअसल ऐसा है, इसमें बड़ा दुर्भाग्य ये है कि दवाइयां खरीद ली जाती हैं, उनका एक सैंपल रख लिया जाता है और फील्ड में दवाइयां भेज दी जाती हैं और उपयोग हो जाती हैं, उपयोग होने के दौरान या बाद में उनकी टेस्ट रिपोर्ट आती है, जिससे कि ये पूरा जो हम लोग इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं ये फ्यूटाइल टाइप का हो जाता है, मतलब यूजलेस हो जाता है, क्योंकि उपयोग करने या आधे से ज़्यादा उपयोग होने के बाद अगर उसकी टेस्ट रिपोर्ट आ रही है और उसके बाद उस पर झगड़ा हो रहा है या उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो ये पूरा बैकफायर होने लगता है। इसका कोई फॉरवर्ड इफेक्ट जैसे दिखना हो तो वो नहीं हो पाता। होना ये चाहिए था कि सप्लाई से पहले जो भी टेस्टिंग होनी है
वो टेस्टिंग उस बैच की उपलब्ध कराई जाए, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो, जिससे हम सरकारी राजस्व जो धन है उसको बर्बादी से बचा सकें। मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम एक एक पैसे का सदुपयोग करें, वो सदुपयोग होने की जगह जैसे डबल खर्चा हो जाएगा। आपकी दवाइयाँ ज़्यादातर या तो कंज्यूम हो गई हैं या आधे से ज़्यादा कंज्यूम हो चुकी हैं, और उसके बाद उनके उपयोग वितरण पर रोक लगाई जाए या वापस मंगाई जाए, तो अब दवा कौन सी मिलेगी पशु चिकित्सा अधिकारी को जिससे गायों का 9 लाख गायें जो निराश्रित गोवंश है उसका इलाज करेगा, और पशु चिकित्सा अधिकारी दोनों ओर से मारा जाएगा। दवाएं हैं नहीं इलाज के लिए, डीएम सरकार कहेगी इलाज नहीं कर रहे, और इलाज करेगा तो घटिया दवा है, तो उसमें उसको सस्पेंड किया जाएगा, गायें स्वस्थ नहीं रहेंगी, भरण पोषण पूरा हो नहीं पाता है। तो ऐसी स्थिति में सस्पेंशन कई हुए हैं, अभी फतेहपुर में ही हमारे सीवीओ और डिप्टी सीवीओ का सस्पेंशन हुआ, सीतापुर में हमारे एक डॉक्टर साहब के खिलाफ अनुशासनात्मक जाँच हो गई कि गाय के इलाज में लापरवाही हो रही है, और उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके प्रशासनिक आधार पे यहाँ रायबरेली ये भेज दिया गया, फतेहपुर भेज दिया गया डॉक्टर रामधन त्रिपाठी को। तो इस तरीके से अगर होगा तो ये पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग तो पूरा इसका मनोबल गिर जाएगा, और सरकार का जो मूल उद्देश्य है सेवा का वो पूरा धूल धूसरित हो जाएगा। ठीक, और इससे दुखद स्थिति हो जाएगी, डॉक्टर दोनों ओर से मारे जा रहे हैं। ठीक है, अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, शुक्ला जी ने बहुत अहम चीज़ ये बताई है कि डॉक्टरों के ऊपर डबल प्रेशर है। पहले तो ये कहा जाता है कि इलाज करो, और जब डॉक्टर इलाज करता है दवाई देता है तो दवाई होती है घटिया, और फिर उसे ये कहा जाता है कि इलाज तुमने सही नहीं किया, जो गौवंश हैं या जो पशु हैं उनका इलाज सही से नहीं कर पाए तो उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। तो ये क्या कारण है कि इस इतनी बड़ी बड़ी लापरवाहियां प्रदेश में हो रही हैं, और मॉनिटरिंग सेल है, बाकी चीज़ें भी हैं, विभाग में भी बताया रहे हैं शुक्ला जी की एक टीम बनाई गई थी, लेकिन कुछ कहीं कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला उसके तरफ से कि वो पहले ही रिपोर्ट दे सके कि दवाएँ सही हैं कि नहीं सही हैं। बिल्कुल नितिन जी, शुक्ला जी ने सही कहा। देखिए, भारत की नौकरशाही को स्टील फ्रेम नौकरशाही कही जाती है, यानी वो मान करके बैठे हैं कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है चाहे हम जितना भ्रष्टाचार करें। दूसरी चीज, जो हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सत्ता सरकार संगठन है, उसमें भी कुछ ऐसे भ्रष्ट लोग होते हैं जो कि नौकरशाही से मिल करके वो किस तरह से धन इकट्ठा किया जाए, अरबपति बना जाए, उस दिशा में काम करते हैं। उनको इस चीज की फिक्र तनिक भी नहीं होती है कि उनके चलते जो है चाहे व्यक्ति का स्वास्थ्य हो, पशु का स्वास्थ्य हो, या जो जो जनमानस का स्वास्थ्य हो, उसको लेकर के चाहे जितनी भी स्थिति पैदा हो जाए। कारण उसका सिर्फ यही है कि इनको जो है सजा की दर जो है जीरो है। अगर इनको जो है फास्ट ट्रैक अदालत में ऐसे घपलेबाजों को, घोटालेबाजों को ला करके मुकदमा चलाया जाए, यथाशीघ्र उन्हें सजा सुनाया जाए, तो मुझे लगता है कि काफी असर पड़ेगा। देखिए, आप किसी की भी सरकार बनेगी तो अगर आप उनसे मंत्री से पूछेंगे या जिम्मेदार अधिकारी से पूछेंगे तो सिर्फ यही कहेंगे नहीं उसकी जांच हो रही है, लेकिन वो जांच किस दिशा में जा रही है, कहां पहुंचेगी, उसका अंत किस तरह से होगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, जब उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाला हुआ था तो उस समय तमाम दलीलें दी गई कि नहीं उसमें जो है कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसका नतीजा क्या निकला, अधिकारी से लेकर के बड़े बड़े राजनेता जो है जेल में गए। आप देखिए, बिहार में ही जो पशुपालन घोटाला हुआ या हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाला, उसमें अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा, सजा काटनी पड़ी। तो अगर कानून की चक्की अगर जो है अगर ढंग से अगर पिसावट करे तो उसमें अच्छे अच्छे घपलेबाज घोटालेबाज तो फंसेगा ही, साथ ही जो एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि कानून से कोई ऊपर नहीं गया, एक भी भ्रष्ट व्यक्ति बच नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक हो गया। अभी मैं देख रहा था, जयदीप साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, 31 मार्च 2017 तक का मैं सीए जी का रिपोर्ट देख रहा था, उस समय अखिलेश जी की सरकार थी, 97,000 करोड़ रुपए का कोई लेखा जोखा अधिकारियों के पास नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अखिलेश जी को उसमें संलिप्तता है या नहीं है, लेकिन ये अधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी उनके पास लेखा जोखा नहीं कि पैसा कहाँ गया। सबसे ज्यादा जो है समाज कल्याण विभाग में हुआ, पंचायती राज व्यवस्था में हुआ, शिक्षा विभाग में हुआ। तो अगर जब तक जो है इन अधिकारियों के ऊपर जो है जैसा आपने कहा कि मॉनिटरिंग अगर नहीं हो रही है, तो इसका सीधा सवाल है कि आप आंख बंद किए हुए हैं। आप जिम्मेदार मंत्रालय के अगर मंत्री हैं या और जो उसमें जो लोग जिम्मेदार लोग हैं,
अगर आंख बंद किए हुए हैं तो सवाल लाजिम है कि केवल सवाल जो है इंद्रमणि जैसे लोगों पर नहीं उठेगा, उन लोगों को जो संरक्षण लोग दे रहे हैं जैसा कि विवेक जी ने कहा, या वे लोग जो पूरी एक रूपरेखा बना चुके हैं कि किस तरह से घपले घोटाले को जो अंजाम देना है रोड मैप तैयार किए हैं, तो उनके ऊपर नियंत्रण जब नहीं होगा, अंकुश नहीं लगेगा, तो नितिन जिस तरह के घपले घोटाले को आप चाहे हम जितना डिबेट कर ले, बहस कर ले, सरकार चाहे जितना जीरो टॉलरेंस की बात कर ले, ये थमने रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल सर। प्रदीप तिवारी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। प्रदीप भाई आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी, ये नया वाला घोटाला जो है इसके बारे में सुना होगा आपने, पशुपालन विभाग का, क्या क्या निकाला आप लोगों ने और आपकी पार्टी ने, और आपके पार्टी का क्या पक्ष है? हेलो जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा एक नया घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है पशुपालन विभाग में, क्या आपका पक्ष है, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है, और आप लोग की तरफ से क्या चीजें निकाल कर सामने रखी गई है? देखिए नितिन जी, जो ये घोटाला निकल के आया है, ये महज एक छोटा सा घोटाला आपकी आंखों के सामने भी आया है। अच्छा। जैसे जैसे जांचें होंगी या लोग इसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे, चाहे वो पिछली पंचवर्षीय योजना रही चाहे जो चल रही है वर्तमान में, इसमें आप देखेंगे तो काम तो कोई हुआ नहीं है, और अगर काम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, घोटाला सबसे पहले हो जाता है। पशुपालन विभाग जो इन्होंने गौ माता और के लिए इतना सारा अभियान चलाया और जनता की आंखों में झूल झोंकने का काम किया कि सबसे बड़े गौ सेवक यही हैं, ये दिखाने का काम कर रहे थे, मगर हकीकत क्या है, अगर आप गौशालाओं का निरीक्षण करेंगे, आप स्वयं जाकर के अपने कैमरे को लेकर के अगर जाएंगे तो आप चले जाएंगे मिर्जापुर, चले जाइए बलरामपुर, चले जाइए महाराजगंज, चले जाइए, आप देखेंगे कि इतनी बुरी स्थितियां हैं कि गौ को चारा नहीं खाने को मिल रहा है। अरे आपने बिहार में सुना होगा, चारा घोटाला का नाम सुना था, आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपको समझ में आएगा, पता चलेगा कि उससे बड़ा चारा घोटाला होगा। चारा के नाम पे इतना पैसा लूटा जा रहा है, लोगों से भूसा दान के रूप में लिया जा रहा है और उसको रजिस्टर से अंकित कर दिया जा रहा है, पैसे चढ़ा दिए जा रहे हैं। तो देखेंगे आप सड़क पर बदल, अब ये देखिए इंसान को नहीं बख्श रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जानवरों को भी नहीं बख्शने के मूड में है, कितना घसीट पाला जा रहे हैं, घसीट ले रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है अगर आप देखेंगे इसकी, कि घोटालों की शुरुआत कैसे होती है, तो आपको समझ में आएगा क्या होता है कि आप दवाइयों की खरीद फरोख्त करते हैं, एक डीआई की नियुक्ति करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक एक ड्रग इंस्पेक्टर की भर्ती करने के लिए जब आप मंत्री लेवल से करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाने की बात कहते हैं, तो वो ड्रग इंस्पेक्टर जाकर के किस तरीके की जांचें करेगा, चाहे आप दवाइयां कैसी भी बेचिए, आप एक्सपायर दवाइयां बेच दीजिए, ड्रग इंस्पेक्टर को क्या तो पैसा वहां से कमाना है, पैसा कमा करके ऊपर मंत्री जी तक पहुंचाना है। जांच आप देखेंगे ना, तो जांच नीचे बॉटम से लेकर के टॉप तक की सारे लोग भ्रष्ट भरे पड़े हुए हैं। ठीक है सर। आप कहने के लिए दिखावा आप करेंगे योगी राज, योगी मॉडल, गुजरात मॉडल, मगर आप जब देखेंगे ना तो अंदर देखेंगे जा करके, तो घोड़े के अंदर आपको फूल नजर आएगा। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, ये जो लोग पूछते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस ने जो जो कर दिया आप वहां तक सोच नहीं सकते, आपकी सोचने की सीमा नहीं है वहां तक। आप सिर्फ देखेंगे तो आप क्या करेंगे, देश के बेरोजगार को मायूस करेंगे, इस देश की महिलाओं को मायूस करेंगे, जानवर जो बोल नहीं सकता आप उसका भी खा जाएंगे पैसा, उसके इलाज का पैसा खा जाएंगे, उसके जो उसको खाने का पैसा आएगा आप वो चारा खा जाएंगे। आप किसी के लिए, इंसान से लेकर के जानवर के लिए, किसी के प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। आप कह रहे हैं जो मैं करूं वो सही, खाता न नहीं, जो भाजपा करे, जो भाजपा की सरकार करे वही सही। आप भाजपा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछेंगे तो ये कहेंगे नहीं कि घोटाला हुआ, जांच हो रही, जांच होती रही। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा सारे कागज पत्र लेकर के मुख्यमंत्री से, संबंधित मंत्री से मिलूंगा। अरे कहे तो रहे, कहने के लिए बता तो रहे हैं, पिछले योगी जब योगी सरकार आई थी 2017 में, बहुत बड़ा चिल्ला रहे थे कि अखिलेश जी ने रिवरफ्रंट घोटाला कर दिया। बताइए इतना समय हो गया रिवरफ्रंट घोटाला, आप अखिलेश जी का रिवरफ्रंट घोटाला कहाँ बीच में ले आए? अरे भाई क्यों, अगर आप सरकार बनाते हैं रिवरफ्रंट घोटाले की बात को लेकर के, अब मैं जांच जो कह रहे हैं ना, मैं उस बात पे कह रहा हूँ, ये कह रहे कि जांच होगी हम जाएंगे लेकर के, 7 साल बीत गए हैं, जांच में क्या हुआ बताएंगे? ठीक है, मैं जवाब ले लूंगा। मिसम दीदी, इनको क्या है ये रिवर फ्रंट घोटाले के लिए? जी मैं कह रहा हूँ प्रदीप जी, रिवर फ्रंट घोटाले को बीच में ले आए? नहीं, एक सत्यता है, एक सच्चाई है कि आपने जिसके लिए कह करके जिसको बदनाम किया, आरोप लगाया,
और उसी आरोप को आपने जनता के बीच में इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने का काम किया। तो प्रदीप जी वही एक बात को दोहरा रहे हैं कि जब जहां घोटाला नहीं होता है वहां आप दुहाई दे दे करके सरकार बना लेते हैं, और जब आपके अपने यहां घोटाला होता है तो फिर आप उसको जो है वो स्विच कर लेते हैं। तो विवेक जी कह तो रहे हैं कि मैं खुद जाऊँगा मिलूंगा। विवेक जी ऐसे लोग जो है वो हिंदुस्तान में और पार्टियों में कम है। इनकी अंतरात्मा का सवाल है, गौ माता का मामला, ये आस्था से जुड़ा है। इसमें भी अगर राजनीति आप करने लगे नितिन जी तो हमारा फिर स्थान रहा कहाँ? फिर राजनीति के लिए कहीं कोई स्पेस भी तो होना चाहिए कि आप हर जगह राजनीति, आप भगवान से राजनीति करने लग जाओगे, आप गॉड से राजनीति करने लग जाओगे तो फिर आप में और फिर और लोगों में असुरों और राक्षसों में असुरों में बचेगा क्या? जब आप देवता को पूज रहे हो तो जाहिर सी बात है काम आप असुरों वाले करोगे तो फिर आप असुर ही को पूजो, इससे अच्छा है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर जो सच है, अगर वाकई बात है कि गौ माता अगर भूख से मर रही हैं, उनका चारा खा लिया जा रहा है, अगर उनको दर्द हो रहा है, देखिए दवाई का काम क्या होता है, किसी को तो इंस्टेंट पेन रिलीफ देना, तो मान लीजिए अगर दर्द हो रहा है और आप जो दवा उनके लगा रहे हैं उस दवा से उनका पेन नहीं जा रहा है और वो बेजबान है और वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं, तो ये बताइए कि उसका पाप। मैं तो कहता हूँ गौ माता चलिए ठीक है, पवित्र है, पूजनीय है, मगर उसके अलावा भी बहुत से जानवर हैं, तो क्या आप उनको मार देंगे? आप उनका भी इलाज करेंगे, और जो इलाज करने के लिए आपको साधन संसाधन दिए गए, आप सोचिए कि जानवरों से लोगों को जिनको प्रेम नहीं है, मैं उनको कतई जो है वो इंसान मानता ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे उच्च स्थान पर सबसे उच्च योनि में पैदा किया और उसके बाद वो जानवरों के लिए इस तरह का व्यवहार करे और उनके पैसे को खा जाए और उनके दवाओं के पैसे से भ्रष्टाचार हो जाए, तो मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय बात है और इसको खुल करके लोगों को सामने आना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह से कोई भी व्यक्ति इस तरह का भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचे। क्योंकि अभी अरविंद जी ने कहा है कि कोई एक सख्त कानून बनाना चाहिए कि जो भ्रष्टाचार के लिए और खासकर जो इस तरह के लोग हैं जो बेजबान जानवरों तक का पैसा खा जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए इंसानों का क्या महत्व होगा कि जब वो बेजबान जानवर तक का पैसा नहीं छोड़ रहे हैं। और रही बात घोटालों की, तो घोटाले अक्सर होते रहते हैं अगर सही से सरकार जांच करने पर आ जाए, क्योंकि इनकी जांच एजेंसियां हमेशा इनका मकसद जो है वो दुश्मनी के तौर पर करने का होता है। ये हमेशा विपक्ष को परेशान करने के लिए और डराने के लिए कार्य करते हैं। अगर यही थोड़ा सा हिम्मत करके यही जांच एजेंसियां अगर अपने लिए भी लगे और एक सामान्य होकर के लगे, पक्षपात को छोड़ करके एक तरफ से ध्यान अगर दें, तो हमारी सरकारों को भी छवि अच्छी होगी कोई भी हो, और हमारा प्रदेश भी सुरक्षित होगा, देश भी सुरक्षित होगा, और हम विकास की ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और देश जो विश्व गुरु बनाने की बात अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भाषण में कहा था, बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने काली जी के लिए बात कही, और बिल्कुल अच्छी बात है अगर किसी तरह ने किसी के आस्था को अगर चोट पहुंचाई है तो उन्होंने बात कही। अगर यही बात आकर के नूपुर शर्मा के लिए भी कह सकते, प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, कि भाई देखो ये गलत बात है और इससे देश की और प्रदेश की और एक मानवता की छवि को धूमिल करने का कार्य है, ऐसा कार्य ना करो, तो कितना दिल बड़ा हो जाता। क्योंकि देखिए पार्टी अपनी जगह पर है, आज की डेट में मान अगर मैं भी कहीं जाऊंगा तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो नो डाउट मुझे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का नाम लेना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी का मान योगी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का नाम नहीं लेने लग जाऊंगा कि वो है मेरे मुख्यमंत्री, वो मेरे नेता हो सकते हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ये दायित्व जिम्मेदारी है कि जब वो ये आह्वान करते हैं कि 125 करोड़ की राजनीति जो भी जनता है वो वासुदेव कटम का जो नारा दिया जाता है, जो अगर मैं कहता हूं कर उसी के सिद्धांतों पर आप वाकई चलते हैं तो आपको सबका साथ सम्मान करना चाहिए। और अगर काली जी की गिरफ्तारी की आप मांग कर रहे हैं, जिन्होंने काली जी के लिए जो है वो ये बात कही है डायरेक्टर ने, तो उसी तरह नूपुर शर्मा को भी गिरफ्तार करें। अब नूपुर शर्मा तो पार्टी में थी, निकाल दी गई, अब डायरेक्टर तो किसी पार्टी में है नहीं, तो अब इनके लिए कौन सी नजीर पेश करेंगे आप? इनको कहां से निकालेंगे कि पार्टी में या तो उनको शामिल करेंगे किसी और फिर उनको निकाल देंगे, तो फिर एक नजीर बन जाएगी कोर्ट के अंदर कि अगर कोई आदमी इस तरह की निंदा करता है तो उसे किसी ना किसी पार्टी से देख करके उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाए। नहीं, सबका साथ सबका विकास का जब नारा है तो जो आपकी वाणी से निकलना चाहिए, जो तन मन धन जो मुख में हो, जो आपके हृदय में हो, वो सब एक साथ होना चाहिए। और दूसरी बात में ये अंतिम बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जब कभी इस तरह का घोटाला होता है तो आप देखिए इतनी बड़ी गरिमा की पद होता है मुख्यमंत्री का, इतना बड़ा स्तर होता है, अब आप उसको छोड़ करके अब आप बात करने लग गए कि साहब एक वर्ग की वजह से देश में तबाही हो रही, यानी कि ये एक वर्ग की वजह से घोटाला हो गया, एक वर्ग की वजह से आप
आरोप आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई आप इतने कानून ले आए, 377 ले आए, आप NRC ले आए, आपने सारे कानून बना डाले और एक कानून एक छोटा सा है जनसंख्या नियंत्रण का, आप वो नहीं बना पा रहे हैं। और आप दूसरे वर्गों की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रखे रहते हैं कि कौन सा बम किस मौके पर मारा जाए जिससे जनता को बेवकूफ बनाया जाए, छला जाए और जिससे जनता अब इसमें लग जाए कि उनके इतने बच्चे ही मोहल्ले में गिनने में लग जाए और भ्रष्टाचार से लोगों का जो है वो ध्यान हटा दिया। ठीक है विवेक जी, जवाब दीजिए मिशन जी के सवालों का। देखिए नितिन जी, जो प्रदीप जी ने विषय उठाया, जो मिशन जी ने उठाया, प्रदीप जी ने रिवर फंड का विषय उठाया तो उसमें उनकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें भी जांच चली, कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारियां भी हुई है। और रही बात जो सिस्टम है आज का, जो ब्यूरोक्रेसी का हाल जो जय तिलक जी ने उठाया, अरविंद जी ने, वो ब्यूरोक्रेसी कांग्रेस शासन की ही देश को देना है। इतने दिनों के शासन में कांग्रेस ने कभी उस ब्यूरोक्रेसी में सुधार की चेष्टा नहीं की और हम पिछली सरकार में जब कुछ सुधार के प्रयास भी किए तो उसको भी पलीता लगाने का काम विपक्ष ने ही किया। अच्छा, और रही बात जिस विषय पे आज डिबेट है, पशुपालन विभाग का भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है और चलती रहेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सर उसी जीरो टॉलरेंस में ये सब हो जा रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं तो एक साधारण सा विषय लेकर के स्थानांतरण का, डॉक्टर राज नारायण जी मेरे मित्र हैं, मैं उन्हीं के विषय में गया था निदेशालय। मैंने कहा कि साहब इनकी पत्नी यहाँ PGI में है, इनको कंसीडर करके इनका स्थानांतरण आप रोक दीजिए। तो उन्होंने जो मेरे जानकारी में जो वहाँ तथ्य आए स्थानांतरण में लेकर के, मैं उसी के बाद इस पर थोड़ा सा और जब चर्चाएं हुई तो और बहुत सारे विषय आए, सारे विषय जो मेरे संज्ञान में मैंने आप लोगों को बताया और सारे इकट्ठा करके मैं माननीय मंत्री आदरणीय धर्मपाल जी से भी मुलाकात करूंगा और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी ध्यान इस पर आकृष्ट करूंगा, इस पर कार्रवाई कराऊंगा और निसंदेह इसमें विश्वास सबको रखना चाहिए इसमें कार्रवाई होगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री की स्थानांतरण नीति को डॉक्टर इंद्रमणि निदेशक पशुपालन ने पलीता लगाया है, आप पूरा विषय समझ लीजिए। 30 जून तक मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश थे कि सारे स्थानांतरण सारे विभाग निपटा लें। 29 जून तक इंद्रमणि जी ऑनलाइन आवेदन लेते रहे। 30 जून को उन्होंने कहा नहीं, हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। 30 जून को उन्होंने ऑफलाइन माननीय मंत्री जी से अनुमोदन लेने की भी बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश से आवेदन लेने की भी बात कर रहे हैं, स्थानांतरण करने की भी बात कर रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोगों का संशोधन की भी बात 30 जून को हो रही। हालांकि वो बैक डेट हम उस तरह नहीं कह सकते, वो 30 जून की डेट में हो रहा है। तो मेरा ये नहीं समझ में आ रहा, क्या 50 लोग निदेशक के कार्यालय में 30 जून को उपस्थित थे? क्या पूरे प्रदेश से ऑफलाइन आवेदन निदेशक को 30 जून को कैसे प्राप्त हो गए? एक तरफ को देते हैं कि साहब जो उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया तो उन्हीं को हमने ऑफलाइन कंसीडर कर लिया। उसमें दो तीन तर्क ऐसे हैं कि जिन लोगों का आपने ऑनलाइन रिजेक्ट किया था उनका भी आपने ऑफलाइन में ट्रांसफर कर रखा है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया था उनका भी आपने ट्रांसफर कर रखा है। ये सारे विषय पूरे स्थानांतरण प्रक्रिया को जो मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन जो था उस जो सिद्धांत थे उनको पलीता लगाते हुए पिक एंड चूज के माध्यम से इंद्रमणि जी ने किया है, एक तो ये विषय हुआ। इसी दौरान जो तमाम भ्रष्टाचार मेरे संज्ञान में आए, मैं सारे दस्तावेज इकट्ठा कर रहा हूँ, आज से कल तक मेरे सारे दस्तावेज कलेक्ट हो जाएंगे। मैं कल ही शाम तक या परसों तक माननीय धर्मपाल जी से मुलाकात का समय लेकर के पूरा उनके ऊपर लेके जा रहा हूँ। प्रदीप तिवारी कुछ कह रहे हैं, प्रदीप जी क्या कह रहे हैं, बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रहे हैं। जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि मैं पेपर्स कलेक्ट कर रहा हूँ, उसे कार्रवाई होगी। भाई जो घोटाला आपके संज्ञान में पूर्व से ही है, जो राम मंदिर की ना से जमीन और इतने चंदे का किस तरीके से भ्रष्टाचार करके वहां की मेयर की संगतता पाई गई, आपने क्या कार्रवाई करी? आप चूजी लोग हैं, आप तो जो करते हैं कार्रवाई वो चूज करते हैं कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी। अगर यही काम घोटाले से अतिरिक्त अगर किसी ने कोई अपराध किया होता तो आप वहां पे जांच नहीं करते, आप उसको सुनवाई का मौका नहीं देते, तब योगी सरकार का बुलडोजर होता, उसके ऊपर चढ़ जाता। मगर अगर आपका मुफ्ती, आपके अधिकारी उसमें दोषी होते हैं, आपके मेयर उसमें दोषी पाए जाते हैं, तो आप चूसी हो जाते हैं। तब आप वहां पे कहते हैं कि अभी पेपर होगा, फिर स्थिति रहेंगे, फिर जांच होगी, फिर कार्रवाई कब देखिए हो, इस सरकार में हो कि अगली सरकार किसी और पार्टी की आ जाए, हो या ना हो, वैसा भी हो। तो ये आप लोगों का दोहरा चरित्र किस तरीके से आप लोग इसको तटस्थ होकर के और उसी बात पे कायम रखते कि नहीं जीरो टॉलरेंस। भाई ये जीरो टॉलरेंस की कहाँ है, आपने क्या बताइए, जवाब दीजिए। राम के नाम पर वोट तो ले लिया और राम के नाम पे जो जमीन चंदा में मेयर साहिबा का इन्वॉल्वमेंट आया, घोटाले में इन्वॉल्वमेंट आया, उस पर क्या कार्रवाई करी? क्या योगी सरकार का बुलडोजर वहां चला?
नहीं चला, आपको बताना चाहिए जनता को कि आप भ्रष्टाचार में जिनके नाम पे, राम के नाम पे वोट लिया वहां भ्रष्टाचार किया, गाय के नाम पे वोट लिया वहां पे। देखिए प्रदीप जी, डिबेट भ्रष्टाचार पे हो रही, इसको अनावश्यक उस दशा में ना मोड़े जिसके तथ्य आप प्रस्तुत ना कर सके। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए ये विषय, जिस विषय को आप उठा रहे हो बिना तथ्यहीन बातें आप करें, उनका कोई विषय से कोई वास्ता नहीं है। विषय पशुपालन के भ्रष्टाचार की हो रही है, निदेशक के भ्रष्टाचार की, मैं विषय को उठा रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का संज्ञान इसमें लेने जा रहा हूँ, माननीय योगी नाथ जी के संज्ञान में देने जा रहा हूँ। आपको इस भ्रष्टाचार को रोकने में मेरा आपको मदद करनी चाहिए। आप अनावश्यक इस डिबेट को डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप राम जन्मभूमि का विषय उठा रहे, एक रुपए चंदा कांग्रेसियों ने दिया नहीं आपको, उस विषय में बोलने का कोई हक नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है, जिस तरह से अमेरिकन कंपनी से इन लोगों ने सीमेन लेकर के, वो भी अधोमानक का सीमेन है, जानवरों को डलवा दिया, एक भी जानवरों को बचिया नहीं हो रही है, जिस तरह से पशुपालकों के साथ धोखा हो रहा। मैं भी पशुपालक, मैं अपने पशुपालन का दर्द बता रहा हूँ। आप विषय को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? आप ही लोग भ्रष्टाचारियों की मदद करते हैं। ये विषय राजनीतिक रंग देने का नहीं है, ये सारे राजनीतिक दलों को मिलकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का विषय है। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी के मित्र क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हैं? आप ही लोग इस तरह के भ्रष्टाचारियों को पना देते हैं। उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा लूटा जा रहा पशुपालन विभाग में, आप इस पे बात नहीं करना चाहते? आप विषय को ले जा रहे हैं राम जन्मभूमि में, एक रुपए चंदा दिया क्या आपने? ये उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है प्रदीप जी, जो पशुपालन विभाग में लूटा गया। आपको पहले इसका दर्द होना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर का पैसा है, जो आम जनमानस अमेरिकन कंपनी से सीमेंट राम मंदिर के साथ का समझौता कर लिया पशुपालन विभाग ने, एक सीमेंट सक्सेस नहीं हुआ, ये पशुपालन विभाग का हाल है। आपको क्या मालूम? आप बताइए ना, जिसने जिसको इसका जवाब देना चाहिए कि राम मंदिर की जमीन खरीद फरोख्त में घोटाला मेयर साहिबा का। यही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको विषय डाइवर्ट करना है। जो जहाँ घोटाला हुआ नहीं, आप घोटाले की बात कर रहे हैं। एक रुपया आपने राम जन्मभूमि में चंदा दिया नहीं, आपको राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण से दिक्कत है। आप तो राम को काल्पनिक पात्र बताने वाले लोग हैं। अब आप इस मुद्दे पर मैं क्या चर्चा करूं? आप ही ने सुप्रीम कोर्ट में आपकी पार्टी लगा बनावा दिया। नितिन जी को डिबेट को डिलीट करने शुरू किए। ठीक है भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार नहीं था क्या? इनसे एक सवाल ले लीजिए ना, जो वहाँ पे राम मंदिर के नाम पे जमीन पे खरीद पर हुई, कैसे एक दिन के अंदर जमीन के रेट 100 गुने बढ़ गए? जब आपको वहाँ के विषय नहीं मालूम है क्या कहेंगे, तो उस विषय को मत उठाइए। आपसे आम पूछा जाएगा तो आप इमली बताएंगे, आप आम नहीं बताएंगे, आप इमली बताएंगे। इसी तरह से कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचारियों की मदद करती रही है, जो आप जिस तरह के तर्क आज आप दे रहे हैं। विषय पशुपालन विभाग के भ्रष्टाचार की हो रही है। आप पहुंच जा रहे हैं अयोध्या, तो बगल में लखनऊ सुधर नहीं रहा, अयोध्या की बात कर रहे हैं आप। पशुपालन विभाग के अलावा आपने जो भ्रष्टाचार करके रखे हैं उनको ना बताया जाए यहाँ पे? बिल्कुल बताइए, तर्क सही आइए, उसका जवाब दिया जाएगा। आज विषय पशुपालन विभाग के भ्रष्टाचार को हो रहा है, जांच चल रही है, आप कब जवाब देंगे भाई? आप ले आइए विषय। ठीक है प्लीज, ठीक है अरविंद जी। जी मैं विवेक जी से पूर्णतः सहमत हूँ, उन्होंने एकदम सही सदैव शब्दों में कहा कि भाई सवाल जब भ्रष्टाचार पर हो रहा है तो उसे सियासी रंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए देश का दुर्भाग्य है नितिन जी की, जब भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो उसे सियासी फ्रेम में फिट करने की कोशिश होती है और उसकी धार इतनी खराब कर दी जाती है कि जो उम्मीद रहती है कि इसका कोई परिणाम निकलेगा वह निकल नहीं पाता। आप चाहे जितने पूरे भारत में आजादी के बाद 40 बहुत बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि 2-3 घोटाले में ही सजा हुई है, बाकी जो है 36-37 घोटाले जो है पूरी तरह से उनके घोटाले बाज बच निकले हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात की उन्होंने विवेक जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस ने ही जो है एजेंसियों का दुरुपयोग किया। अब आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में ही मुलायम सिंह यादव जी हो या बिहार में लालू प्रसाद हो या यूपी में मायावती जी हो, आज से अधिक संपत्ति का घोटाला का जो मामला उठा था उसको जो है कांग्रेस ने इनके ऊपर मुकदमा दायर किया और किस तरह से अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए इनका इस्तेमाल किया है किसी से छिपा नहीं है। 80 में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी, किस तरह से जो गैर कांग्रेसी सरकारों को उन्होंने राज्यपाल के जरिए बर्खास्त किया, बाद में 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी उसी रवायत को आगे रखी और आज जो मौजूदा सरकार है उसी रवायत को आगे बढ़ा रही। यानी महाजनों ये गता सपंथा कहा गया ना संस्कृत में, यानी जो आगे अगुवा लोग करते हैं पीछे के लोग वही करते हैं। तो मुझे विवेक जी के बातों से सहमत
सहमत हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को, यहाँ बैठे जितने प्रवक्ता भी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विवेक जी अगर जो इस मसले को उठा रहे हैं तो वे लोग उनका समर्थन करें, बाकायदा जो उनके साथ खड़े हों, और यहाँ पे विवेक जी के बातों का आलोचना करने का कोई मूल्य महत्व नहीं। जिस तरह से उन्होंने जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनसे मिलेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका समर्थन करना चाहिए और विवेक जी बधाई के पात्र। नितिन जी, मिशन भाई जी, मैं सहमत हूं अरविंद जी की बात से कि चलिए ठीक है, अगर कोई आदमी इस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, तो हर जगह राजनीति नहीं करना चाहिए। और राजनीति हमेशा उसकी करना चाहिए जिससे देश का, प्रदेश के लोगों का फायदा हो, विकास हो। राजनीति का भी अपना एक मेयार होना चाहिए। अगर इस तरह का कोई कार्य ये करते हैं कि जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, तो उसमें हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि विवेक जी से अकेले करने से कुछ होगा, क्योंकि विवेक जी ऐसे लोग कम हैं, और ये एक बड़ा सिंडिकेट का काम है, ये ऊपर से काम किया गया है। इसमें विवेक जी हो सकता हो कि मार्गदर्शन का काम करें और आगे बने, मगर मुझे नहीं लगता है इस तरह से, क्योंकि कहने और कथनी करने में बड़ा फर्क है, और मुझे भरोसा नहीं है कि इस तरह से किसी को कोई न्याय मिल पाएगा। और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जब तक के प्रदेश के मुखिया जिस तरह की बात करते आ रहे हैं और उनको अब की दूसरी सार 2.0 का नाम दे रहे हैं, अब तलक के अगर ये नहीं कर पाए हैं, तो मुझे लगता है आगे भी किसी भी तरह का कोई भी अधिकारी के कान में नहीं देंगे की, और वो इस तरह से अपराध में लिप्त रहेंगे, क्योंकि इनके जो ऊपर से जो भी शासन से लेकर के और प्रशासन तक सभी लोग इसमें लिप्त हैं। अगर जांच होगी तो कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए इस जांच को कहीं ना कहीं भट्टे खाते में और जांच की तरह डाल दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की दूसरे टर्म की सरकार में ये पहला घोटाला जो है वो 100 दिन के अंदर ही निकल कर आ गया है, और घोटाला भी बहुत बड़ा है। पशुपालन विभाग में पशुओं के नाम पर उनके इलाज और उनकी दवाइयों के नाम पर, हालांकि लगातार अब इस बात को कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, जो भी दोषी हैं उनसे वसूली भी की जाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन ये जो घोटाले की इबारत है ये आज से नहीं लिखी गई है, पहले से लिखी गई है, और इसके पीछे कौन कौन है उनका चेहरा भी साफ होना बहुत ज़रूरी है। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।